यहाँ गांव में तो कुछ ज्यादा ही ठंडी पड़ रही, तो मैं पहुँच जाता हूँ मामा जी की तरफ, क्योंकि मामा जी ने आग जला रखी थी। थोड़ी देर हाथ सेंकने के बाद मेरी निगाह पड़ती मामी जी के ऊपर। ये पता नहीं कौन सी राजा महाराजा वाली चीज खा रही है, मुझे भी खाना है। मामी जी ने कहा पहले दांत साफ करके आओ। मैं जल्दी से जाता हूँ और ये डंडा ले लेता हूँ। इस डंडे से मैं जल्दी से एक दातून तोड़ लेता हूँ। जब मैं दातून कर रहा था तभी मेरा प्रेशर बन जाता है। मैं जल्दी से ये मोहनजोदड़ो की खुदाई में निकला हुआ डिब्बे में एक डिब्बा पानी ले लेता हूँ और निकल जाता हूँ जंगल की तरफ। मुझे यहाँ जंगल में जाने में बहुत ज्यादा बुरा लगता है। आप लोग बताइए कौन कौन इस सिचुएशन में फंसा है। वापस आके एंटीलिया हाउस का दरवाजा खोलता हूँ और अंदर जाता हूँ। वहाँ जाके देखता हूँ कि तारा भाई गड्ढा खोद रहे हैं। पता करने पे पता चला कि नानी को इसकी हाइट पसंद नहीं आई, तो नानी बोल रहे हैं इसकी हाइट और कम करो। जब तक तारा भाई गड्ढा खोद रहे हैं तब तक मैं नानी के साथ थोड़ी मस्ती कर लेता हूँ। अब मुझे घर भी वापस आना होगा क्योंकि मैंने तो टीन लगा दी। जैसे ही मैं वहाँ से निकला तो मुझे कुछ औरतें मिल जाती, इनके साथ थोड़ी देर चुगली चुगली खेल लेता हूँ। पूरे गाँव की चुगली करने के बाद हम यहाँ से निकल चुके हैं अपने फतेहपुर के लिए।